छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरौद में आंचल महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा मुफ्त सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना किया है, जो कि छात्राओं को मासिक धर्म के समय मुफ्त में पैड देगा और यह बच्चियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पैड वाली जीजी के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता कविता गेंद्रे ने कहा कि यह आयोजन मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है और इसे अब तक की सबसे सुंदर प्रयोग माना जा रहा है। कविता कहती हैं कि इससे बच्चियों में काफ़ी जागरूकता आएगी। वही विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि अब हम लड़कियों को बहाना करके घर जाना नहीं पड़ेगा, इमरजेंसी में मुफ्त ही स्कूल में पैड मिल जाएगी और किसी बात की हिचक भी नहीं होगी। गौरतलब है कि आज भी अधिकतर लड़कियां महावारी के समय कपड़े का उपयोग करती हैं और केवल 32% लड़कियां सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में सुरक्षित और स्वच्छ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना मिसाल कायम करेगा। ये पैड बैंक की स्थापना हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। हमें मतलब किसी किसी कारणवश ऐसा होता था कि हमें क्लास मिस करके अपने घर जाना पड़ता था और अपनी सब्जेक्ट जो पढ़ाई चल रही होती थी उसे छोड़ना पड़ता था। पैड बैंक के कारण हम अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसे हमें मुफ्त में दिया जा रहा है और ये दानदाता लोग दे रहे हैं। हम बच्चियों के लिए और विशेष रूप से जैसे हायर सेकेंडरी कि बच्चियां इनको इनके बहुत अधिक ज़रूरत रहती है। बच्चियां आती है स्कूल और अगर उस तरह से अगर परिस्थिति बन जाती है तो उनको छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है, तो यहां पेड बैंक की स्थापना हो गई तो उन बच्चियों को अब घर जाना नहीं पड़ेगा, यहां उनको पेड प्रदान की जाएगी। हम लोगों के द्वारा या और भी इसी तरह से प्रबुद्ध जनों के द्वारा हम दान में पेड़ लेते रहेंगे और बच्चों को निःशुल्क दी जाती रहेगी।